चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज पर। टेंशन करता हूँ, पंडित साहब ने पूछा कि जो पुण्य करेंगे यात्री वो तो एक बात है, उसका तो पुण्य जिसको मिलेगा वो तो एक बात है, पर जो पाप करेंगे उसके पाप भी मुझे मिलेंगे क्या? और इसलिए यदि मिले तो मेरी आपका बहुत विनती है कि आप यात्रा के दौरान पाप कर्मों से जितना बच सके उतना बचिएगा। वंदा भी माता, आप लोग सिद्ध क्षेत्र सोनागिर में वंदना करने आए हैं, तीर्थ यात्रा करने आए हैं। तीर्थ किसे कहते हैं? जो तिरा दे, जो तीर ले जाए उसे तीर्थ कहते हैं। और तीर्थों के माध्यम से हमें विशुद्धि प्राप्त हो, यह सिद्ध क्षेत्र सोनागिर है। इस सिद्ध क्षेत्र का महत्व अलग ही है। क्या महत्व है? यहाँ से 5.5 करोड़ मुनिराजों को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। कहाँ से? जिस भूमि में आप बैठे हो, जिस भूमि के आप दर्शन करने आए हो, विचार करो, जिस भूमि से आत्मा परमात्मा बनती है वह भूमि इतनी पवित्र हो जाती है कि वहां पर कई लाखों वर्षों तक जीव वहां दर्शन करने आते हैं तो वही विशुद्धि को प्राप्त करते हैं जो कि मोक्ष जाने के समय में होती है। उनके कुछ परमाणु ऐसे रह जाते हैं कि उस तीर्थ पर जाने पर भाव अपने आप विशुद्ध हो जाते हैं। इसीलिए तीर्थ यात्रा की जाती है ना? और श्रीमती रेखा जी और बेटे का क्या नाम है? अंकुश जी। और श्रीमती प्रेक्षा जी और इनकी बेटी और दामाद और इनके भाई, इनके चाचा, सारा पूरा परिवार तो साथ है ही, लेकिन वो भी साथ हैं जो इनके धर्म के रिश्तेदार हैं। दो तरह के रिश्तेदार होते हैं। एक रिश्तेदार होते हैं जो जहाँ आपने जन्म लिया है, ठीक है, आपने जन्म लिया तो आपको रिश्तेदारी बनाने की जरूरत नहीं है, मम्मी पापा फ्री में मिल गए, कुछ मेहनत करी क्या आपने? अरे बोलिए ना, नहीं करी ना। हाँ, लेकिन फिर भी कर्म तो काम कर ही रहा है। आपने वैसे पुरुषार्थ नहीं किया, लेकिन कोई पिछला पुरुषार्थ है कि जो आपको जैन कुल मिला, जिन धर्म मिला और ऐसा स्थान मिला कि जिससे आपकी धार्मिक यात्रा बिना प्रयास के भी चलती रहती है। आपको प्रयास कम लगता है और काम ज्यादा होता है। कभी कभी ऐसा होता ना कि पुरुषार्थ कम करते हैं फल ज्यादा मिलता है, कभी कभी मेहनत ज्यादा करते हैं और फल कम मिलता है ना? लेकिन आपने ऐसे स्थान पर जन्म लिया है जहां पर मेहनत कम लगती है और फल ज्यादा मिलता है। तो आपने जहां जन्म लिया तो मम्मी पापा मिल गए, चाचा ताऊ अरे बोलिए ना मिल गए, नाना नानी, मामा मामी, पापा मम्मी। हाँ, एक बात और बतानी है, आजकल पापा शब्द बोलते हैं, हमारे यहाँ पिताजी शब्द बोला जाता है, माँ और पिताजी। हमारे यहाँ पर मॉम नहीं बोलते हैं, आजकल एक नया वर्ड चला है मॉम, है ना? अच्छा, नाना की पत्नी को नानी, चाचा की पत्नी को अच्छा, मामा की पत्नी को मामी, और दादा की पत्नी को और पापा की पत्नी को भाई, जब नाना की नानी, चाचा की चाची, मामा की मामी, तो पापा की। तो जो हमारे भारत का शब्द है उसका प्रयोग करो ना, माँ और पिताजी, माँ बोलना चाहिए, है ना?
जन्म लेते ही रिश्तेदारी बनानी नहीं पड़ती है, आपका जन्म हुआ और रिश्तेदार मिल गए। फिर बड़े होते हो, शादी होती है, तो शादी तो एक लड़की से होती है और उनके जितने रिश्तेदार होते हैं वो आपके रिश्तेदार बन जाते हैं। ये रिश्तेदारी कब तक है बोलिए ना, जब तक जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोए, और घर संपत्ति सब प्रगट है पर है परिजन लोए, है ना। सब यदि जैसे ही शरीर छूटा रिश्तेदारी खत्म। लेकिन एक रिश्तेदारी ऐसी होती है कि जिसमें इस जन्म में भी रिश्तेदार हैं और अगले जन्म में भी रिश्तेदार हैं और अगले से अगले जन्म में भी रिश्तेदार हैं, वो है धर्म की रिश्तेदारी, वो है आत्मा की रिश्तेदारी। इतने लोग आप सब आए हैं, इसमें कौन किसका रिश्तेदार है? रिश्तेदार शरीर के रिश्तेदार कम हैं और धर्म के रिश्तेदार ज्यादा हैं। भगवान आदिनाथ से आपका कौन सा संबंध है, शरीर का या आत्मा का? आत्मा का संबंध है। भगवान आदिनाथ कब हुए थे हैं? अरे लाखों तो छोड़ो, अभी 25 साल तो ये ले, 2500 साल तो ये ले लो, है ना। और इसके बाद जो अपना 84,000 वर्ष है उसमें से 2500 निकाल दो तो बाकी बचे जितने ये, और बाकी एक कोड़ा कोड़ी सागर हो चुका भगवान आदिनाथ जब हुए थे, ठीक है ना। तब भी आज हम उनको याद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनकी माला फेरते हैं, उनके पंच कल्याणक मनाते हैं, ऐसा लगता है ये बहुत दूर नहीं है, ये तो बहुत पास है, है ना। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल अपने परिवार के विषय में सोचते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो परिवार के साथ साथ रिश्तेदारों के लिए सोचते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो रिश्तेदारों के साथ साथ समाज के विषय में सोचते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो देश राष्ट्र और विश्व के विषय में भी सोचते हैं। और जितनी जितनी सोच बड़ी होती जाती है उतना बड़ा सोचने का दायरा भी बड़ा होता जाता है। सबके लिए अच्छी भावनाएं भाई जाती हैं। हमारे भूपेंद्र जी की भावना हुई कि सबको तीर्थ यात्रा कराई जाए, तो 300 लोगों को वापी बम्बई और राजस्थान के लोग बहुत हैं इसमें, है ना, सबको लेकर के आज यहाँ पर भगवान के चरणों में बैठे हुए हैं और भगवान की भक्ति करने के लिए तत्पर हैं। अब ये मत पूछना कि किसको कितना पुण्य मिलेगा, ये तो थर्मामीटर अपने आप लगा लो कि किसके भाव कैसे हैं। जिसके भाव जैसे हैं उसको उतना द्रव्य मिलता है। और हम तो सिद्ध क्षेत्र पर आए हैं, ये भावना भाए कि भगवान जैसे आप सिद्ध भगवान बने हैं वैसे एक दिन मैं भी सिद्ध भगवान बन जाऊं, इस सिद्ध क्षेत्र पर ऐसी भावना भाए। तो इस भावना के माध्यम से आपको जो कुछ अब क्या बताऊं मैं, जैसे आपको यहाँ से यदि बॉम्बे जाना है तो बीच के स्टेशन आपको कहने नहीं पड़ेंगे कि मुझे वहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, अपने आप मिल जाएंगे। ऐसे ही यदि आप मोक्ष का भाव बनाओ तो संसार के सुखों की चाहना मत करो, ये तो अपने आप ही रास्ते में मिल जाए, ठीक है ना। जैसे एक किसान खेती करता है तो फसल के साथ साथ घास फूस भी उगती है। किसान खेती किस लिए कर रहा है? धान के लिए। लेकिन साथ में घास आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये जो संसार के सुख है ना, ये घास फूस के समान है, और जो मोक्ष है ना वो खेती के समान है। आप तो लक्ष्य बनाओ कि मुझे मोक्ष जाना है, ये तो सब रास्ते के पड़ाव। चलिए अगला प्रश्न। जो एक श्रावक के सत आवश्यक कहे हैं, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये सत आवश्यक जो होते हैं इनके माध्यम से ही
शुद्धि बनाई जाती है, ठीक है। और आपकी अगली बात क्या थी? स्वाध्याय का समय। देखो, भक्ति और स्वाध्याय का समय, भक्ति आप 24 घंटे में कभी भी करें, स्वाध्याय कभी भी करें, लेकिन सिद्धांत ग्रंथ का समय है। सिद्धांत ग्रंथ यानी करुणानि योग के ग्रंथ, षटखंड आगम, कर्म कांड, जीव कांड, लब्धि सार, छपना सार, ये जो बड़े बड़े ग्रंथ हैं, इनको बताया है कि जैसे संध्या काल में नहीं पढ़ना चाहिए। संध्या काल का मतलब होता है तीन समय जो सामायिक का समय होता है, सुबह रात जा रही है, सुबह आ रही है, सुबह जा रही है, दोपहर आ रही है, हैं? दिन जा रहा है, रात आ रही है, इसको संध्या काल कहते हैं। तो संध्या काल में ना पढ़ें, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में ना पढ़ें, बहुत तेज बारिश हो रही हो तब ना पढ़ें, बहुत तेज धूप पड़ रही हो तब ना पढ़ें, और बहुत अधिक ठंड, इतनी ठंड कि बिल्कुल आदमी ट्रिपल हो रहा हो, तो ऐसी ठंड में ना पढ़ें। तो इन समयों को छोड़ करके सिद्धांत ग्रंथ के लिए बताया है, बाकी प्रथमानियों चरणानियों द्रव्यानियों आदि के ग्रंथ आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, बहुत बढ़िया, आप तो उस पीढ़ी के हो कि आपको मतलब ना भी पता हो तो आप काम कर लोगे, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है बिना मतलब जाने वो श्रद्धा करने वाली नहीं। जैन, जिन, जिन शब्द को जानते हो? जिन यानी क्या होता है? जिनेंद्र, जिनेंद्र, जिन यानी जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है उन्हें जिनेंद्र कहते हैं। किसे कहते जिनेंद्र? जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है ऐसी जिन संज्ञा वीतरागी अरिहंत देव से प्रारंभ हो जाते हैं, ठीक है। और जिनेंद्र के भक्तों को जैन कहते हैं, जिन भगवान के भक्तों को जैन, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, ये स्मृत नगर क्यों नहीं कर सकते माता जी और शिकानी जी जो भी है, वो विदेश क्यों नहीं जा सकती? अच्छा, नहीं है, ऐसा है कि जहां जाने के लिए वाहन का प्रयोग करना पड़े उस स्थान पर नहीं जा सकते। पैदल जाइए, कहाँ जाना था? अच्छा अच्छा, वहाँ पैदल जा सकते हैं। अच्छा, तो वहाँ दूसरी बात और सुनिए, जहाँ पर ऐसे जीव रहते हैं जहाँ उपसर्ग की संभावना हो, ध्यान रखना, ऐसे स्थान पर साधु को नहीं जाना चाहिए जहाँ उपसर्ग की संभावना, उपसर्ग आ जाए अलग बात है, क्या उपसर्ग आ जाए अलग बात है, लेकिन उपसर्ग की संभावना है और आप वहां जाकर बैठो तो उसके लिए मना किया है। लेकिन आप जाएंगे तो उपसर्ग क्या था उसका, आप उसकी पूरी भूमिका तैयार करो, आप वहां पहले जमीन उपजाऊ कर लो, हम जाके बीज डाल देंगे। वो बाइबल पर इतना ध्यान देते, वो अपने भगवान पर क्यों नहीं देते? उदाहरण बता दूं कि जो मोबाइल पर ध्यान देते हैं उनका और जो नहीं देते उनका। कल एक बच्ची यहाँ आई थी, करीब 5-6 साल की बच्ची थी, उसने तत्वार्थ सूत्र का पहला अध्याय सुना, उसको भक्तांबर के कई श्लोक याद है और उसे जैन धर्म की बहुत सारी बातें याद है, अभी बचपन है, इसमें तो याद होगा, जब बड़ी हो जाएगी तो समझ में अपने आप आ जाएगी। समझाना तो फिर भी चाहिए, लेकिन समझ में तब आएगी जब थोड़ी समझदार हो जाएगी।
तो मैंने उससे पूछा, तुम्हारी बच्ची मोबाइल नहीं चलाती है? बोले, माता जी ये मोबाइल में फालतू नहीं करती है, बहुत कभी कभार थोड़ा बहुत कभी मन हो जाए तो चला लेती है, वरना जो मैं इसे कहती हूँ वो ये करती है। तो बच्ची का प्रश्न है कि इतना जितना समय जितना ध्यान मोबाइल में लगाते हैं उतना धर्म में क्यों नहीं लगाते हैं, है ना, प्रश्न है ना। तो एक होता है आकर्षण, क्या, अट्रैक्शन, कहीं कुछ दिखा अट्रैक्ट हो गए, कुछ दिखा अट्रैक्ट हो गए, उस पर विचार शुरू कर दिया, उस पर सोचना शुरू कर दिया, उस पर चर्चा शुरू कर दी। एक इस तरह के व्यक्ति होते हैं कि जिन्हें ये नहीं पता है कि क्या देखना क्या नहीं देखना, किससे जुड़ना किससे नहीं जुड़ना, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, क्या करना क्या नहीं करना, जिन्हें ये बात पता नहीं होती है वे लोग ही मोबाइल पर अधिक जुड़ते हैं और जुड़ करके व्यर्थ की चीज देखकर अपना जीवन अपना समय अपनी बुद्धि अपनी शरीर की शक्ति अपनी आत्मा के भाव को खराब करके और अपना समय खराब करके और अपने कर्म बंद करते हैं, वर्तमान भी खराब करते हैं और भविष्य भी खराब करते हैं, अपनी आंखें भी खराब करते हैं, अपना दिमाग भी खराब करते हैं। यदि वो इतना ध्यान धर्म की तरफ लगाए, भक्ति पूजा स्वाध्याय में लगाए, तो वो इस जीवन में एक बहुत समझदार इंसान बन के बहुत आगे बढ़ जाएंगे, उनका वर्तमान भी सुखी हो जाएगा और अगला भाव भी सुखी हो जाएगा। ये चार जोड़े गए थे इसलिए थे, ये चार कम किए गए इसलिए, ऐसा लॉजिक किसी भी कहीं पर आया नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर तो आपको वही जाना पड़ेगा पूछने के लिए जिन्होंने लिखा है या कम किए या ज्यादा किए, ठीक है। अगला प्रश्न को एक साथ बांध के रखने का श्रेय जाता है वो हमारे समाज के अध्यक्ष सुभाष भाई। मैं चाहूंगा सुभाष भाई एक बार खड़े हुए और आप इनको आशीर्वाद दें। कितने ही तरह के विचार आते हैं, भेद आते हैं, लेकिन सबको एक साथ लेके सबकी सुनते हैं। हमारे सुभाष भाई हैं, सुभाष भाई कोटड़िया जो हमारे प्रेरणा स्रोत रहे, सबको साथ रखते हैं, तो जोरदार तालियां सुभाष भाई की। मेरा एक बहुत सिंपल और सरल क्वेश्चन है कि माता जी हमको सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे हो सकती है, ग्रस्त में रहकर क्या हम सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं? शब्द का दर्शन का मतलब देखना, दर्शन का मतलब संस्कृत का शब्द है, अच्छा। जब आप कोई बीमार हो जाता है तो आप उनके दर्शन करने जाती हो या देखने जाते हो? देखने जाते हो, ठीक है। जब लड़के के लिए लड़की या लड़की के लिए लड़का, तो दर्शन करने या देखने? देखने, यानी जहाँ ऊपर से देखा जाए वो देखना है, और जहाँ आत्मा को देखा जाए उसका नाम दर्शन है, और उसका नाम ही सम्यक दर्शन है। तो आप मंदिर में जाते हो तो भगवान के शरीर को देखने जाते हो या भगवान की आत्मा को देखने जाते हो? इस प्रतिमा के माध्यम से प्रतिमामान को देखने जाते हो या केवल प्रतिमा को देखने जाते हो? यदि केवल प्रतिमा को देखने जाते हो तो वो तो हो जाएगा देखना, और आप उनके वीतरागी स्वरूप को दर्शन करने जाते हो तो इसका नाम है दर्शन। और जब दर्शन होते हैं तो उसी से कहा जाता है जिन प्रतिमा के दर्शन से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, है ना। जैसे आईना देखते हैं, है ना, आईना में क्या देखते हो? चेहरा देखते हो। भगवान में क्या देखते हो? भगवान आईना है, शुद्ध है, साफ है, इनमें अपनी आत्मा को देखो। बस यही तो करना है कि भगवान उनकी गुण और अपने दोष, आपके अंदर क्या गुण है उससे उल्टा अपने दोष देखने शुरू कर दो, और फिर उन पर विचार चिंतन मनन शुरू कर दो। सम्यक दर्शन बहुत सरल है, क्या हम प्राप्त कर सकते हैं, हाँ या नहीं? अरे बोलिए ना, कौन कौन प्राप्त कर सकता है सम्यक दर्शन? ये तो पता होना चाहिए, वो चीज हमें मिल सकती है कि नहीं?
जब तक हमें ये नहीं पता होगा तो हम प्रयास क्यों करेंगे, है ना। तो सम्यक दर्शन नरक में भी हो सकता है, सम्यक दर्शन स्वर्ग में भी हो सकता है, सम्यक दर्शन क्रियंचों को भी हो सकता है, और आप तो मनुष्य हैं, आपको तो बड़ी सहजता में हो सकता है। जब सातवें नरक के नारकी जो हर क्षण वहां केवल लड़ाई झगड़े में लगे पड़े रहते हैं, उस बीच में उन्हें ऐसी विशुद्धि होती है और वो ऐसा करते हैं कि उन्हें सम्यक दर्शन हो जाता है, फिर तो हम यहाँ इतनी शांति से रह रहे हैं। वहां तो शास्त्र नहीं है, वहां तो मंदिर नहीं है, वहां तो गुरु का उपदेश नहीं है, वहां तो स्वाध्याय नहीं है। जब वहां सम्यक दर्शन हो सकता है तो हम यहाँ थोड़ा सा भी पुरुषार्थ करेंगे तो हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति बड़ी आसानी से हो सकती है। बस लक्ष्य बनाओ, पुरुषार्थ करो, उस तरफ दृष्टि डालो, बस आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा। जठे दिट्ठी बठे पिट्ठी, यही मोक्ष की चिट्ठी। जहां दृष्टि है वहां पीठ कर लो, बस वहीं से सम्यक दर्शन की शुरुआत हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न। शास्त्र फिर गुरु, बट आजकल के कई मंदिरों में देव और शास्त्रों का पद एक तरफ एक साइड पे है और गुरु का पद देवों के ऊपर है। आज जैसे कि गुरुओं की जो फोटो होती है वो प्रतिमा के ऊपर लगी रहती है, मूर्ति है, प्रतिमा है, और गुरुओं की फोटो उनके ऊपर चारों तरफ लगी रहती है। तो ऐसे होने से क्या गुरु का स्तर जो है वो देवों और शास्त्रों के ऊपर हो जाता है? ठीक है, जब हमें श्रद्धा करने की बात, श्रद्धा करना चाहिए किन पर? बोले देव, शास्त्र, गुरु। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु। तो यहाँ पर जिनवाणी को दूसरे नंबर पे रखा गया है, ठीक है। देव, शास्त्र, गुरु, दूसरे नंबर पे जिनवाणी, भगवान, फिर भगवान की वाणी, फिर भगवान की वाणी पर चलने वाले, वो तीसरे नंबर पे। जब षट आवश्यक का पालन करना हो तो देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, यह तीसरे नंबर पे कर दिया। भाई क्यों? तो इसलिए कि यदि आप देव पूजा करेंगे और गुरु उपासना करेंगे, जब गुरु के पास जाएंगे तो जिनवाणी का स्वाध्याय तो बिल्कुल सहजता में हो जाए। वहां जाकर क्या मिलेगा? गुरु की वाणी में स्वाध्याय मिलेगा। इसलिए वहां गुरु को दूसरे नंबर पे और स्वाध्याय को तीसरे नंबर पे रखा। प्रश्न है कि भगवान के फोटो के ऊपर क्या गुरु की फोटो? तो देखो, हर तरह के लोग होते हैं, है ना, और हर तरह के लोगों में यहाँ ऐसा कोई एक सिस्टम नहीं है कि भाई ये कहेंगे तो सब लोग मान लेंगे। यहाँ तो क्या होता है, जिसके विचार में जो आता है वो कर लेता है। अब ज्ञान है नहीं और करने की भावना पूरी है तो कहीं कहीं गड़बड़ भी हो जाती है। भगवान की फोटो के ऊपर गुरु की फोटो नहीं लगानी चाहिए। अब सुभाष जी हमारे प्रश्न, अब इनका प्रश्न देखो क्या होता है। सबकी प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा बताया कि पुरुषार्थ से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो पुरुषार्थ तो बहुत तरह के होते हैं। कोई पुरुषार्थ ऐसे हो मानते हैं कि मानवतावादी, कि जीवों की रक्षा करे, पूरा दान दे और उनको ऊपर लाए, उसको पुरुषार्थ मानते हैं। कोई लोग इसमें पुरुषार्थ मानते हैं कि मैं देव शास्त्र गुरु की पूजा विधान भक्ति उसमें ही रमा रहूं और उसको पुरुषार्थ मानते हैं। और कोई पुरुषार्थ ऐसा कि निज आत्मा के लक्ष्य से जो पुरुषार्थ किया जाता है उसको मानते हैं। तो कौन सा सच्चा पुरुषार्थ है जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराता है? सम्यक दर्शन प्राप्त करना है इसलिए, और हमें हुआ कि नहीं इसलिए, उसका थर्मामीटर शास्त्र में दिया है। वैसे कर्मानियों के हिसाब से जो सम्यक दर्शन होता है वो चार
अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, दर्शन मोहिनी की तीन प्रकृति मिथ्यात् सम्यक मिथ्यात् और सम्यक प्रकृति, इनके उपशम क्षय क्षयोपशम से क्षाई क्षयोपशम और उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, ठीक है, ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। और तौल तो यही वाला सच्चा है, खरा तौल यही वाला है और यही हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। फिर भी हम कैसे समय समझें कि हमें सम्यक दर्शन है नहीं, और करुणान्वयों के हिसाब से हम जान नहीं सकते, तो फिर कैसे समझें? कुछ तो थर्मामीटर होना चाहिए ना, तो वो थर्मामीटर है 8 अंग, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूर्त दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभाव, है ना। अब निशंकित निकांक्षित इसमें सब आ गया, इसमें मानवता भी आ गई, इसमें पूजा भी आ गई, इसमें स्थितिकरण भी आ गया, इसमें दूसरों के दोष छिपाना भी आ गया, इसमें ग्लानि रहित सेवा करना भी आ गया, इसमें जिन धर्म की प्रभावना भी आ गई, इसमें सब कुछ आ गया। थर्मामीटर है ये मत सोचना कि इनमें से जैसे मंत्र में से एक शब्द कम कर दिया जाए, एक अक्षर कम कर दिया जाए, नहीं मंत्रोक्षरम न्यूनो निहंति विस्वेदना, यदि एक अक्षर भी कम हो जाए मंत्र में से तो वो मंत्र विष की वेदना को दूर नहीं कर सकता है। ऐसे इन 8 अंगों में से एक अंग भी कम कर दिया जाए तो सम्यक दर्शन अधूरा है। वात्सल्य मुनि विष्णु कुमार मुनि का उदाहरण आता है कि जब उन्होंने 700 मुनियों की रक्षा करने का भाव बनाया तो अपनी दीक्षा भी छोड़ दी। अब कहेंगे बताओ अब सम्यक दर्शन नहीं छूट जाएगा? ऐसे कोई मुनिराज होते कि दूसरे के लिए अपनी दीक्षा छोड़ दी? नहीं, मैं मोक्ष बाद में चला जाऊंगा, लेकिन पहले जिन धर्म के साधकों की रक्षा करूंगा उन्हें साथ में लेके जाऊंगा, ऐसी भावना भी सम्यक दृष्टि की होती। एक तो 8 अंग सहित और 25 दोषों रहित। क्या 25 दोष? 8 मद, 8 ये जो तुम्हारे निशंकित आदि अंग हैं इनसे उल्टे, 6 अनायतन और 3 मूर्ता, इन 25 दोषों से रहित और 8 अंग सहित हम इसी थर्मामीटर से जान सकते हैं कि हमें सम्यक दर्शन है या नहीं है। और 8 अंगों को लगा लें कि मेरे इन 8 अंगों में कहीं किसी अंग की कमी तो नहीं। अभी मैं बैठ के चिंतन कर रही थी कि हम अनंतानुबंधी क्रोध पर तो बहुत ध्यान देते हैं, किसी से बैर नहीं बांधना है, ऐसा गुस्सा नहीं करना है, क्रोध पर तो बहुत ध्यान देते हैं, मगर अनंतानुबंधी मान पर ध्यान देते हो कि नहीं देते? सवाल से अनंतानुबंधी क्रोध को छोड़ने की बात तो करते हैं, अनंतानुबंधी मान तो नहीं है? जिसको ज्ञान नहीं होता है उसे अनंतानुबंधी क्रोध हो जाता है, हो सकता है, होता नहीं, गारंटी नहीं, हो सकता है। लेकिन जिसे ज्यादा ज्ञान हो जाता है और अपने आप को ना संभाल पाए तो उसे अनंतानुबंधी मान हो जाता है। और मान समझ में आता नहीं, क्रोध तो समझ में आता है, मान समझ में आता नहीं। तो इन सब चीजों को जानते हुए हम सम्यक दर्शन को, मैंने थर्मामीटर दे दिया, आप लगाकर देख लो सम्यक दर्शन हुआ नहीं हुआ, कि प्राप्त करने में कमी है, अभी क्या करना है, कहाँ पुरुषार्थ करना है, इन सबको लगाकर और उस लक्ष्य पर बढ़े तो सम्यक दर्शन निश्चित प्राप्त होगा। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आज आपकी सोनागिरी की यात्रा का, करने में जय जिनेन्द्र का, स्वर्ग में इंद्र का, और इस यात्रा को लाने में भूपेंद्र जी का, दिल्ली का, त्रियंचो में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का, लिखने में कॉपी का, मांगने में माफी का, और आने वालों में वापी का।
रजाई में रुई का, महीनों में मई का, आने वालों में मुंबई का, प्रतापगढ़ वृक्षों में बड़ का, बड़की चढ़का, और आने वालों में प्रतापगढ़ का थाना, अच्छा रिश्तों में नाना का, पुर्जों में पाना का, और आने वालों में मुंबई थाना का, भीलवाड़ा महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में भीलवाड़ा का, कोटा सावन की घटा का, रसोई में पटा का, और आने वालों में कोटा का, फलों में लीची का, चिड़िया में चीची का, और आने वालों में रांची का, आम की बौर का, खाने में कौर का, और आने वालों में इंदौर का, दमन प्रभु के समक्ष नमन का, पापों के शमन का, और आने वालों में दमन का, दुबई अच्छा बैठने में चटाई का, भोजन में खटाई का, और आने वालों में दुबई का, उमरगांव नदी में नाव का, शरीर में पांव का, और आने वालों में उमरगांव का, कौन सा पूरा रेवालपुरा अच्छा रहने के लिए धरा का, सतियों में अनंग सरा का, और आने वालों में रेवालपुरा का, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में उदयपुर का, मलासा बनासा मनासा अच्छा नहीं करने में आशा का, नहीं होने में निराशा का, और आने वालों में मनासा का, काकरोली अच्छा होली में रोली का, शिखरजी में डोली का, और आने वालों में काकरोली का, बेंगलोर जंगल सोनागिर में मोर का, बच्चों के शोर का, और आने वालों में बेंगलोर का, पीने में पानी का, रिश्तों में नानी का, और आने वालों में सिवनी का, पूछने में हाल का, गर्मी में रुमाल का, और आने वालों में भोपाल का। अरे बहुत हो गए बस। झुमरी तलैया अच्छा सर्दी में लैया का, घर में बच्चों की मैया का, और आने वालों में झुमरी तलैया का, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में जोधपुर का, हुम्मड़ परिवार अच्छा बिजली में तार का, तीर्थों में गिरनार का, और आने वालों में हुम्मड़ परिवार का, घर के पता का, नहीं होने में खता का, और जहाजपुर पंचकल्याणक के माता पिता का, ठीक है खेत में धान का, शादी में पान का, होने वाले विधान का। झम झम झीम झी छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन्द्रिनाभि।
स्वस्ति। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, पिता सुमित्र के राज दुलारे। अपने इस मानव भाव को सफल बनाने का आपके जीवन में आया है अभूतपूर्व अवसर। स्वस्ति धाम प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका भारत गौरव आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के पवित्र पर्वत पर बन रहा है भव्याति भव्य सहस्त्रकूट जिनालय। आप अपने व अपनों के नाम से एक प्रतिमा अथवा एक से अधिक प्रतिमाएं विराजमान कर सहस्त्र पुण्य के भागीदार बने। एक प्रतिमा की न्योछावर राशि 1,11,000 रुपए मात्र। अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज पर।